हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ टॉक्स। पहला, पुरानी कार्स और बाइक्स की बात की जाए तो आपको कई शौकीन लोग मिल जाएंगे जिन्होंने विंटेज क्लासिक कार्स और बाइक को संभाल कर रखा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही रेयर मिनी बस दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो में जो मिनी वैन या मिनी बस दिख रही है, ये गाड़ी डॉज फार्गो FC सीरीज वैन पर बेस्ड थी। अगर 50s की बात की जाए तो फार्गो के कॉमर्शियल व्हीकल्स अपने टिकाऊपन के कारण बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। राउंड हेडलैम्प्स, मजबूत डबल बार ट्रेपेजॉइडल टाइप ग्रिल और इसका फ्रंट बम्पर इसे रेट्रो लुक देता है। पहले की गाड़ियां पूरी तरीके से स्टील से बनी होती थी। गाड़ी का हुड बड़े ही यूनिक तरीके से ओपन होता था। अब चलिए इसका हुड ओपन करके देखते हैं। टू सेक्शन बटरफ्लाई हुड इसको काफी ज्यादा यूनिक और एंटीक लुक देता है। इसमें परकिंस का 3.8 लीटर 6 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया था। इसके हुड पर साइड में लगे क्रोम हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हुड को आप ओपन कर सकते थे। लॉकिंग मैकेनिज्म बहुत ही यूनिक था इसमें। हालांकि इस सेमी बिल्ड चेसी पर बस शेल अलग से फैब्रिकेट करके लगाया गया है। फ्रंट में ए पिलर पर ओपनेबल क्वार्टर विंडोज दी गई थी। उस समय की कार्स पद्मिनी और अम्बेसडर में भी ऐसे ओपनेबल क्वार्टर ग्लास आते थे। इंडिया में ये मिनी बस लेट 60s में आई थी। उस समय इस गाड़ी का यूज कॉमर्शियल यूज में ज्यादा किया जाता था। पर्सनल व्हीकल के तौर पर ये गाड़ी एक बेहतर ऑप्शन हुआ करती थी। ये एक बस नहीं है, इतिहास है उस समय का जब भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा था। ये बस डॉज फार्गो FC सीरीज मिड साइज पिकअप ट्रक की चेसी पर बनाई गई, जो कि डॉज फार्गो 3 स्टार यानी C3 सीरीज पर बेस्ड थी। इस गाड़ी को इंडिया में लाने का क्रेडिट प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड को जाता है। EN 1949 में प्रीमियर ने क्रिसलर कॉर्पोरेशन के साथ ज्वाइंट वेंचर एस्टेब्लिश किया था। 60s के समय ग्लोबली क्रिसलर के फार्गो ट्रक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। फार्गो ट्रक्स एंड वैन्स मजबूती और पेलोड कैपेसिटी के कारण आम जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ करते थे। प्रीमियर फार्गो ने FC, FJ, FK सीरीज के ट्रक्स को इंडिया में लॉन्च किया था। टाटा और अशोक लेलैंड कंपनीज के फ्यूल एफिशिएंट ट्रक्स और बसेस ने फार्गो ट्रक्स की डिमांड को धीरे धीरे कम कर दिया और EN 1980 में क्रिसलर और प्रीमियर का जॉइंट वेंचर खत्म हो गया और प्रीमियर ने इन कॉमर्शियल व्हीकल्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया। हालांकि समय के साथ फार्गो के ट्रक्स और बसेस मार्केट से गायब से हो गए, लेकिन इस बस ने फार्गो की विरासत को अभी तक जिंदा करके रखा हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।